दक्षिण की ओर सदनपुर की पहाड़ियों और सुदूर उत्तर की ओर पारसनाथ से घिरा हुआ बोकारो स्टील एक एकीकृत इस्पात संयंत्र है। ये देश का पहला स्वदेशी स्टील प्लांट भी है, जिसे अधिकतम स्वदेशी उपकरण सामग्री और विशेषज्ञता के साथ बनाया गया है। बोकारो स्टील के लिए तत्कालीन बिहार का मानभूम स्थल का चयन इस क्षेत्र में कोयला, लौह अयस्क, मैंगनीज, डोलोमाइट आदि प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने के कारण किया गया। 1959 में सार्वजनिक क्षेत्र के चौथे एकीकृत लौह और इस्पात संयंत्र के रूप में परिकल्पित होकर बोकारो स्टील प्लांट को पहली बार 29 जनवरी 1964 को एक लिमिटेड कंपनी के रूप में संस्थापित किया गया था। तत्कालीन सोवियत संघ के सहयोग से बोकारो स्टील के प्रथम प्रमुख एनएन वांचू और सोवियत समकक्ष वी सरगेव द्वारा 25 जनवरी 1965 को समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद इस प्लांट ने आकार लेना प्रारंभ किया। 6 अप्रैल 1968 को संयंत्र का निर्माण कार्य विधिवत आरंभ हुआ। 24 जनवरी 1973 को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के गठन के साथ ये 22 मार्च 1973 को सेल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन गई और अंततः 26 फरवरी 1978 को इसका सेल में विलय हो गया। पहला ब्लास्ट फर्नेस का परिचालन 2 अक्टूबर 1972 को आरंभ हुआ और इसके पहले चरण के रूप में 1.7 मिलियन टन इनगॉट स्टील की कास्टिंग 26 फरवरी 1978 को की गई। अपने आधुनिक स्वरूप में बोकारो स्टील आज फ्लैट स्टील उत्पादों का देश के सबसे बड़े स्रोतों में से एक है, जिसमें विभिन्न ग्रेड और विशिष्टताओं का प्रोडक्ट मिक्स तथा रेलवे, वैगन बिल्डिंग, मैन्युफैक्चरिंग उद्योग, ऑटोमोबाइल, पाइप, ट्यूब, व्हाइट गुड्स, बैरल, ड्रम, एलपीजी सिलेंडर सहित